Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर ठीक है और मजे में है और खैर आफियत से है। अच्छा जी, आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ हाउ टू कर्ल माई हेयर। मैं अपने बालों को कैसे कर्ल करती हूँ। मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट नहीं है, बहुत ही रफ है, इतने अच्छी क्वालिटी नहीं है मेरे बालों की, बट मैं ट्राई कर रही हूँ उससे कि मैं अच्छा कैसे बनाऊँ। और कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो पूरे डेड स्ट्रेट हेयर इतने अच्छे नहीं लगते, दैट्स वाई मैं मेरे बालों को नेचुरली थोड़े से कर्ल्स कर लेती हूँ, जो अपने आप थोड़े खुल जाते हैं जब कर्ल हम कर लेते हैं बाल को अच्छा उसके बाद हमारे बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं आपके साथ ये लुक शेयर की। मैं यहाँ पर आज स्ट्रेटनिंग के लिए यूज कर रही हूँ ये सिस्का का स्ट्रेटनर। ये बहुत ही हैंडी है, इसका ये जो ये रोटेट होता है इससे बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है कर्ल्स में। बिकॉज किस अमुक कुछ कुछ स्ट्रेटनर ऐसे होते हैं जिसमें ये जो होता है ये नॉट घूमता नहीं है, तो हमें बार बार हमारे वायर को पहले सीधा करना पड़ता है, ऐसे 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 बहुत टाइम चला जाता है। और जब भी हम ऐसे सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी लगती है, हमारा मेकअप, हम सच बोलूँ मैं तो बहुत ही अकला जाती थी ये सब चीज़ों से, बट ये मेरे पास है 2 सालों से और मैं इसे 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसकी मैंने अभी तक इसका टैग भी नहीं निकाला बिकॉज मैं बहुत ही अपनी चीज़ें संभाल कर यूज़ करती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेटनर कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, आजकल तो स्कूल के स्टूडेंट्स भी ऐसे स्ट्रेटनिंग कर्लिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और ये उनके लिए, ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। मुझे लगता है वहाँ तक कि ये हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हैंडी सा है, छोटू सा है, बहुत ही हल्का फुल्का है और इससे कर्ल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो क्यों ना हम आज इसका ये टाइप ऑफ डेमो है, टाइप ऑफ आप वो भी देख समझ, आपको ऐसा लगेगा कि ये डेमो है या रिव्यू है, इस स्ट्रेटनर के बारे में मेरे क्या रिव्यू है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो चलिए जी अब अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपनी सेंट मैं कोई मिरर में देख के नहीं कर रही हूँ, आज मैं मेरे कर्ल्स करूँगी थ्रू मोबाइल के थ्रू ही करूँगी, तो थोड़ी बहुत मेरी कैमरे से इधर स्क्रीन पर नज़र जाएगी तो आप थोड़ा कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा। अच्छा मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी ताकि आपको ये वीडियो बोर ना लगे, स्पेशली जेंट्स को, क्योंकि मेरे वीडियो लेडीज जेंट्स मेल फीमेल दोनों देखते हैं, तो मैं थोड़ा अपना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में रखूंगी ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, हम कर्ल करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अपने बालों में लिवॉन सीरम लगा दिया, आई डोंट नो कहाँ पर रख दिया मैंने, मुझे नहीं मिल रहा, बट मैंने लगा लिया है, तो मैं हीट प्रोटेक्टर कुछ भी यूज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लिवॉन सीरम का यूज करूंगी। अच्छा जी, ये देखिए अभी मैंने यहाँ से लिया एक सेगमेंट, इसको हम कर देंगे थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे। जरूर बारी बंद कर दें, फिर उसके बाद हमें इसे करना है टर्न, उसके बाद ऐसे 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 एंड देन इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा कर्ल्स हुआ है, आई डोंट नो आपको ये फोकस हो रहा है या नहीं, ये देखिए बस इसको थोड़ा हम कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद हम इसको छेड़ेंगे। ये चला गया पीछे और बस। और बताइए आप सबके क्या हाल चाल है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आप सबकी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मैं हर बार आपसे यही बात बोलती हूँ अपनी वीडियो में, बिकॉज इंसान को हर चीज़ें आसानी से मिल जाती है, ये देखिए जब उस हर चीज़ें मिल जाती है उसे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह हर इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से वो चीज़ों से नवाजता है, बट जब इंसान किसी और इंसान को दुआ में याद रख लेता है तो जी वारे न्यारे हो जाते हैं उसके। मुझे ऐसा लगता है दुआओं में बहुत ही ज़्यादा
ये देखिए कितना प्यारा कर्ल्स है। मुझे इस टाइप के कर्ल्स ज्यादा पसंद है, मुझे वो टाइट वाले कर्ल्स ज्यादा पसंद है बिल्कुल, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारे बाल बहुत शॉर्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए मैं कर लूंगी, ले लूंगी यहाँ पर, और ये देखिए अच्छा जी। तो अब मैं इस साइड के कर्ल्स फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ और वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे आगे के बाल होते हैं इसको हम थोड़ा सा ही कर्ल्स करेंगे, थोड़ा सा। और ये जो हमारी लटें हो गई इनको एक बार ऐसे अच्छे से हम कॉम कर लेंगे, एंड देन इसको देखें यहाँ पर कॉर्नर पे लाकर इसको ऐसे हमारा स्ट्रेटनर ऐसे रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, एंड देन स्लाइड। ये देखिए तो वो जो होता है रिंग रिंग वाला वो मुझे नहीं आता, मुझे ये टाइप का लगता अच्छा लगता है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरे गर्ल्स, ये देखिए गर्ल्स जी। तो हम फटाफट से यहाँ के भी हेयर कर्ल्स कर लेते हैं। जो यहाँ के कर्ल्स है मैं इसे चुटकियों में करके आती हूँ, ये मैंने चुटकी बजाई। कितने अच्छे अच्छे मेरे कर्ल्स हैं। अच्छा अब मैं सबको कर लूंगी ऐसे थोड़े से मैसेज है, ये देखिए लुक एट दिस। बाल कर्ल्स हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे कर्ल्स हुए हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम रखना चाहते हो तो हेयर स्प्रे भी लगा सकते हो, मैं कुछ भी नहीं लगाती बिकॉज ये जब थोड़ी देर के बाद अपने आप थोड़े लूज हो जाते हैं, थोड़े खुल जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर वो टाइप के वेवी बाल ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, तो मैं इस पर कोई हेयर स्प्रे नहीं करती। ये देखिए अब इससे प्यार ना हो तो क्या हो जी, प्यार ना हो तो क्या हो, बिकॉज मैं मोस्ट टाइम ऐसे ही अपना पार्टीशन करती हूँ। और ये देखिए ये कितना अच्छा लगता है, आप कहीं पर जा रहे हो या कहीं पर कोई फंक्शन में हो, फटाफट से 5 मिनट में 10 मिनट में कर्ल्स हो जाते हैं। और ये है मेरे कर्ल्स, ये देखिए। अब मैं अपने वीडियो को बस यहीं पर एंड करने लगी हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे बाल कैसे कर्ल्स हुए हैं आप मुझे, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बस मैं समझो सीख रही हूँ और जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो में मेरी चैनल को आप शेयर करें, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप सबकी दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा जी। बस आप लोगों की इजाज़त चाहती हूँ जी, रब राखा।